बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर कई नेता भी यहां पर मौजूद होंगे और तस्वीरों में यहां अविनाश पांडे भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की भी मौजूदगी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और कई नेता यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हाथों में तख्तियां लेकर बैनर लेकर। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये पैदल मार्च पीसीसी से शुरू हुआ है जहां घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को फिलहाल कर रही है इस पैदल मार्च के जरिए प्रदेश कांग्रेस। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल और राजधानी जयपुर की सड़कों पर फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पैदल मार्च कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्र सरकार को इस पैदल मार्च के जरिए घेर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे जिसे लेकर केंद्र सरकार को इस पैदल मार्च के जरिए कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस? सुशांत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो कि आज इस पैदल मार्च के जरिए केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस उठा रही है, आपसे ही जानना चाहेंगे। सभी यहां से रवाना हुए हैं पैदल मार्च के तौर पर और प्रताप सिंह खटियावास हमारे साथ है। प्रताप जी आगे चलो। प्रताप जी हमारे साथ अभी मौजूद है। एक मिनट भाई, एक मिनट। थोड़ा दोबारा कोशिश करेंगे एक बार फिर से प्रताप जी से बात करने की, लेकिन सुशांत भीड़ ज्यादा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर परेशानी हो रही होगी तमाम दिग्गज जो कि वहां पर मौजूद हैं उनसे बात करने में। तस्वीरें फिलहाल दर्शकों को दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही अविनाश पांडे मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद हैं और जिस तरह से जिक्र किया सहयोगी सुशांत पारिक ने भी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी है। इसके साथ ही कई और मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ इस पैदल मार्च के जरिए हल्ला बोला जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर फिलहाल केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है प्रदेश कांग्रेस, वहीं हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि प्रदेश भर से आज राजधानी जयपुर में जुटे, वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी सुशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुशांत, कई दिग्गजों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कई मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही है प्रदेश कांग्रेस, क्या तस्वीर है? मुझे एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, संपर्क यहां पर नहीं हो पाया है सहयोगी सुशांत से। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे पीसीसी उस दौरान की, और अब ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर
ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जो कि सीधी तस्वीरें हैं, प्रताप जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और की आर्थिक नीतियों के विरोध में हालात बहुत खराब है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश में हालात बिगड़े हुए हैं। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता उन सब पर बीजेपी धोखा कर रही है, इसके विरोध में आज कांग्रेस का पैदल मार्च है। मुख्यमंत्री अशोक क्या लगता है प्रताप जी, हालात क्यों बने हैं देश में? से इसलिए बने क्योंकि बीजेपी का मन साफ नहीं है, जनता के दर्द से बीजेपी को कोई सरोकार नहीं। तो ये अब दिल्ली में भी होगा इसके बाद? बिल्कुल दिल्ली में भी होगा। तो आपने सुना परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना था कि कई ऐसे मुद्दे जिनका श्रेय लेती हुई नजर आई है बीजेपी, और कई ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर फिलहाल लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई, केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये पैदल मार्च निकाला गया है राजधानी जयपुर में, और उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीरें देश की राजधानी में यानी कि दिल्ली में भी देखने को मिलेगी बहुत जल्द। ऐसा ही एक पैदल मार्च केंद्र सरकार को घेरने के लिए वहां पर भी निकाला जाएगा। तो वो कांग्रेस जो कि फिलहाल केंद्र में विपक्ष में है, केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, और ऐसे में फिलहाल कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पैदल मार्च के जरिए। तो विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हमलावर है प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार पर, जहां एक और प्रदेश बीजेपी को लगातार निकाय चुनाव में परास्त करने के बाद केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है, और निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद भी खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो देकर प्रदेश बीजेपी निकाय चुनाव में जीत हासिल करना चाहती थी, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती थी, और यही वजह रही कि जनता जागरूक है, जनता जानती है कि लोकल मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का उन्होंने साथ दिया और बीजेपी को आईना दिखा दिया। ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लगाते रहे हैं, एक बार फिर से केंद्र सरकार को इस पैदल मार्च के जरिए कांग्रेस पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत